हेलो एवरीवन, और आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे अपनी पुरानी बाली को हम एक नया शेप विद द हेल्प ऑफ पॉम-पॉम हम एक नया शेप दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको बनाने के लिए वो एक पुरानी बाली आप ले लीजिए, और देखिए मैंने लिया है और मैंने इसके घुंघरू को निकाल लिया है। मैंने उसके अंदर टूल डाल करके और इसको स्प्रेड करके इस तरीके से मैंने सारा निकाल लिया है, और मेरे पास अब ये इस टाइप से है। आप भी कोई भी अपना पुराना बाली लेकर के आप उसको दूसरा फॉर्म दे सकते हैं। मैंने नीडल थ्रेड लिया, नीडल एंड थ्रेड, टूल को मैं साइड में रख देती हूँ। ये घुंघरू निकले हैं उसमें से, जिसका यूज हम किसी और चीज में भी कर सकते हैं। पॉम-पॉम चाहिए, ये पॉम-पॉम चाहिए। अब हम पॉम-पॉम्स को लेकर के यहाँ पर अटैच कर देंगे नीडल एंड थ्रेड के मदद से। इसको हम अटैच कर देंगे, इस टाइप से आप इसको अटैच कर सकते हैं। इस टाइप से आप इसको अटैच कर दीजिए, वो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। कुछ नील लगे हैं, ट्राई टू सिक्योर इट वेरी नाइसली ताकि वो अपने प्लेस से मूव ना करे, प्लेस से वो मूव ना करे। देखिए इस टाइप से आप उसको अटैच कर देंगे। ट्राई टू मेक इट वेरी नीट एंड क्लीन, कि फिर उसको पहनने में वो ज्यादा सुंदर लगेगा जब वो बिल्कुल साफ सुथरा वर्क उसमें हुआ रहेगा। एक पॉम-पॉम अटैच हो गया है। आई टेक अनदर वन, और जरूरी नहीं है कि आप हर उसमें करें, जहां उसको जरूरत है आप वहां पर उसे लगाएंगे। ठीक है, आप उसके अंदर डालें के वापस से वहीं से निकाल के और किसी भी होल में आप डाल सकते हैं। स्पेस नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। जहां से आप डालते हैं आप वापस वहीं से निकाल करके उसको अच्छे से टाइटली आप उसको स्टिच करेंगे, सो दैट इट लुक्स गुड। और ऐसे आप उसको फिर सारे उसमें अटैच करके, सारे होल्स में अटैच कर दीजिए, जितने भी पॉम-पॉम्स रिक्वायर्ड हो उसको उसमें अटैच करके आप अटैच कर दीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये मैंने बना लिया है, और आई होप ये आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है ये। ये पहले ऐसा था, फिर मैंने इसको ऐसे शेप दे दिया। ऐसे ही आप पॉम-पॉम को इसमें भी अटैच करेंगे, ठीक है। और मेरा पहला वीडियो देखिए, अगर आपको पॉम-पॉम बहुत ही ईजी वे में बनाना सीखना है तो आप इसको मल्टी कलर, मैंने तो इसको मल्टी कलर पॉम-पॉम से बनाया है, मगर आप इसको प्लेन किसी भी एक कलर से भी लेकर के बना सकते हैं, ठीक है। और वो पॉम-पॉम बनाने का इजी मेथड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में देखा बताया है। अगर आपको आपको उसका ट्यूटोरियल चाहिए तो यू कैन स्विच ऑन टू दैट एंड लर्न द इजीएस्ट मेथड ऑफ मेकिंग द पॉम-पॉम्स। एंड अपने बाली को आप चाहे पॉम-पॉम और भी चीजों में यूज होता है, मैं जैसे जैसे करूंगी आई विल शेयर इट विथ यू। अब हम पॉम-पॉम को इसमें अटैच करते हैं, ये वाले में भी अटैच करते हैं, और सेम वही मेथड है। आप उसको वापस से करेंगे, आप उसको वापस से करेंगे इसे, ट्राई टू अटैच इट इन दिस। आई एम लविंग द वे इट इज
like I'm making it. ये बहुत अच्छा, मुझे बहुत पसंद है pom-pom के bulbs. I'll keep sharing you which are the ways we can use pom-poms. So बस मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड डेफिनेटली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक इट. और अगर आपको कुछ और भी सीखने का है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप मतलब कमेंट डाल करके मुझे पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज बनाना है, कैसे बनता है. इफ आई विल नो इट आई डेफिनेटली शेयर इट विद यू. कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको लास्ट एंड काट लूंगी. फिर आप ये देखिए कि अगर ये कहीं से बिल्कुल अनटाइडी सा कभी कभी पॉम-पॉम होता तो उसको आप काट करके अपने डिजायर्ड राउंड शेप दे दीजिए. डिजायर्ड क्या मतलब, एक अच्छा सा राउंड शेप आप उसको दे दीजिए ताकि वो देखने में थोड़ा खूबसूरत, नीट एंड क्लीन सा लगे. इस टाइप से आप उसको कट कर लीजिए ताकि वो देखने में अच्छा लगे, नीट एंड क्लीन. कैसी लग रही है ये बाली, आपको कैसी लगी ये मुझे जरूर बताइएगा. आपको कैसा लगा ये देखिए, ये मेरी बाली बन करके तैयार हो गई है और मुझे लाइक इट्स माय फेवरेट वन नाउ. आई लव द pom-pom थिंग्स. तो प्लीज अगर आपको ये बाली अच्छी लग रही है तो आप भी बना करके ट्राई कीजिए और प्लीज लीव द कमेंट इफ यू आर लविंग इट. प्लीज लीव द कमेंट, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल. मैं फिर आऊंगी एक नए वीडियो के साथ वेरी शॉर्टली. टिल देन.